बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और इसको हम करना शुरू करते हैं। आइए पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड हमें करना है इफ़ ए बी सी डी जे पैलोग्राम। अब यहाँ पर बस इतना ही गिवन है, ए बी सी डी जे पैलोग्राम। पैलोग्राम की कंडीशन क्या क्या कंडीशन होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए देखो, यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है और इसको करना शुरू करते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैलोग्राम के डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। पैलोग्राम के डायगोनल, ये पैलोग्राम है, पैलोग्राम के डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं ओ लिख देता हूँ, ओ, ठीक है, तो साथ ही वो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यानी ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी और डी ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आइए मैं यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वी नो दैट, ठीक है, यहां सबसे पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। बाइसेक्ट यानी समान दो भागों में बांटना। अब इसका मतलब हो गया, देखो यहां पर ए ओ इक्वल आ गया ओ सी एंड बी ओ इक्वल होगा डी ओ के, इसी प्रकार। अब ए ओ, ए ओ क्या है, 5y+1 इक्वल है ओ सी के, यानी 6y-1। आइए कर लेते हैं, y को एक तरफ ले आए, इधर ले आए आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर ये माइनस का हो जाएगा इक्वल -1, और ये +1 है तो इधर आकर ये -1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का, इसलिए माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर -2, ठीक है, -1 और -1 -2, माइनस से माइनस के साइन काट दीजिए, y इक्वल आ गया 2। तो ये तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें करनी है x की, ठीक है, x की भी कर लेते हैं। तो बी ओ इक्वल होगा डी ओ, तो 3x, यहाँ पर बी ओ लिख लो कोई बात नहीं है, तो 2x+1 इक्वल 3x-1, इस तरीके से। अब 2 को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से किया 2x और +2 × 2, इस तरीके से, ठीक है। अब x को ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये इसके सामने कोई साइन नहीं, तो प्लस, इधर आकर ये माइनस, इस तरीके से, और +2 इधर आकर -2, तो माइनस प्लस माइनस, -1x आ जाएगा, और इधर -3, -1 और -2 -3, तो माइनस से माइनस का साइन काट दिया हमने, और x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर लिखें। अब मिलेंगे हम एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।